वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है ये डीडी रिएक्ट की, हमारे बारे पर आपत्ति क्यों। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है हारिस सुल्तान का, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बारह बैन कर दी। तो जी हाँ, हमारे बारह एक फिल्म आ रही है और उसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है, और उसको एक खास कम्युनिटी पे अटैक बताया जा रहा है। और आपको पता ही है कि ये पूरा वोक सिस्टम किस तरह से काम करता है। वोक भी नहीं कहूँगा, मतलब ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है, टूलकिट गैंग, और उसको कर रहा है भाई। रियलिटी है तभी तो कुछ बना है। और क्या हमारे बारह नहीं हो रहे क्या? सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू पढ़े, वो कहते हैं कि हाँ जी, 12 बच्चे पैदा करके, 20 बच्चे पैदा करके, उससे क्या है, खिलाने वाला तो ऊपर वाला। उन्हें क्या पता कि हमारे टैक्स के पैसे से उनको राशन जा रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से उनको पीने का पानी जा रहा है, हमारे टैक्स के पैसे उनके ऊपर लग रहे हैं, पढ़ाई से लेकर सब कुछ लेकर। और जो टैक्स एक रुपया नहीं दे रहा, जो सिर्फ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वो बैठ के खा रहे हैं। इसीलिए मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हूं। दो बच्चे से जिनके भी ज्यादा बच्चे हैं उनको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वो किसी एमपी एमएलए पार्षद इनके इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे। और ये करना पड़ेगा तभी ये देश बचेगा। बात किसी रिलीजन की नहीं है, संसाधन सीमित हैं, और आप जानबूझकर खाने वालों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे। उसके बाद कहेंगे कि बेरोजगारी हो गई है जी, तो ये हो गया जी, तो नौकरी नहीं मिलती जी, तो ये नहीं हो गया, और बाकी डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं वोट डाल के, और फिर गजवाए हिंद फतह, ये भी तो सब चल रहा है ना अंदर ही अंदर। पीएफआई इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर हारिस सुल्तान क्या कह रहे हैं। एक बॉलीवुड की मूवी है बड़ी, जिसको प्रोपेगेंडा मूवी बोला जा रहा था, हमारे बारह उसका नाम है मेरा ख्याल। उसका ट्रेलर मैंने चलाया था, वो वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पे थोड़ा सा मैंने उस पे अपना रिव्यू दिया था। ऑब्वियसली जो ट्रेलर था उसी के ऊपर बात की थी कि कोई इतनी कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये वही बात की जा रही है जो हजारों मौलवी खुल के इस तरह की बातें करते हैं, और जिसकी सबसे बड़ी जो विक्टिम्स हैं वो मुसलमान औरतें हैं। तो बहुत सारे जो हमारे लिबरल लोग हैं और कुछ बहुत सारे इस तरह के जो वर्च्यू सिग्नलिंग करने वाले सेल्फ राइचियस लोग हैं, जो पैथोलॉजिकल ऑल्ट्रुइस्टिक बनते हैं, अपनी तरफ से ऑल्ट्रुइज्म दिखाते हैं कि भी हमें बड़ा एहसास है लोगों का, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। और मेरे पीछे भी पड़ गए थे बहुत सारे लोग, नहीं जी ये मुसलमानों को स्टेरियोटाइप किया जा रहा है जी, उनके साथ बुरा, उनको गंदा दिखाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। बात यह है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी की जो गंदी चीजें होती हैं उनकी खिल्ली उड़ा के, उनको एक्सपोज करके, उनको इसी तरह बुरा दिखाया जाएगा ना। अब ये जो खुद कुछ धमाके होते हैं जिनके, सारे मोमिन है, पहले तामिल थे थोड़े से, और उससे पहले आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलेगी कामकाजी पायलट्स की एग्जांपल, लेकिन 99% जो इस तरह के जो खुदकुश हमले होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी से निकलते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान वैसे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मुसलमानों के अंदर। उसी तरह मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगेन ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसे है जो ये कहता है कि हमने शरीयत नाफिज कर दी है पूरी दुनिया। अच्छा, अब मैं इस पर कुछ बोलूंगा ना तो बड़ा खराब लगेगा मुसलमानों को, खराब लगेगा बिल्कुल। ये बात मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, बड़ा खराब लगेगा। सवाल ये नहीं है कि सारे मुसलमान हैं कि नहीं है, जाहिर सी बात है नहीं है, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, सारे मुसलमान आते, लेकिन 99% मुसलमान क्यों? अच्छा ये मेरे ऊपर मत चढ़िएगा, मेरा सवाल नहीं है, एक वीडियो क्लिप लगा देता हूँ। पाकिस्तान की एक बड़ी जर्नलिस्ट है आलिया शाह, उनका ये कहना है, सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है। तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है, तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है। ओहो ये तो अपने आप गरीबान में कैसे जाके हम,
वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नजरिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो मेरे ऊपर मत कहिएगा कि इस्लामोफोबिक हो गया और ये हो गया वो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्कुल नहीं। मैं जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जो चीज़ प्रैक्टिकली दिखती है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान, बिल्कुल नहीं और हो भी नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम 99% मुसलमान के होते। सवाल तो बनता है ना भाई, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है कि मैं हर रूप में निंदा करता हूं। वो चाहे न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में घुस के उसने लोगों को मारा, लेकिन वैसे लोगों की संख्या 0.1% है, मेजोरिटी जो है मुसलमानों की। क्यों 99% जो संगठन है वो सारे मुसलमानों के संगठन है? सवाल तो उठेंगे ना, और सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो अच्छे मुसलमान हैं वो चुप है, वो इसके खिलाफ नहीं बोलते, वो मौन स्वीकृति दे देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम। यूरोप में इसको जो आग लगी हुई है, पूरा यूरोप जो है राइट विंग की तरफ जो जा रहा है, उसकी एक वजह वो ये कहते हैं यार हम लोग सारों को गले से लगाते हैं, ये आके हमें कहते हैं हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, हम तुम्हारी हुकूमतों की धज्जियां उड़ा देंगे, हम यहाँ पे शरीयत नाफिज करेंगे, इतने फड्डे वहां पे होते हैं। तो अब इसके ऊपर बात ना की जाए कि ये स्टेरियोटाइप हो जाएगा, ये क्या बात हुई। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है, ये टर्म कॉइन की थी, पता नहीं अयान हर्षी अली ने की थी या माजिद नवाज ने की थी, कि इसको कहते हैं बिगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस। वो ये कि अगर हम गोरे को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट अगर कोई है जो उनकी टेंडेंसीज हैं, अगर हम उनको दिखाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि यार ये गोरे बदनाम हो जाएंगे इस तरह, वो हो जी गोरे गोरों के ऊपर बड़ी स्टेरियोटाइप बन जाएगा ये वो, कोई नहीं कहता। गोरे खुद कहते हैं कि ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो है ये बड़े बुरे लोग हैं, उसके ऊपर फिल्में बनती हैं। अमेरिकन हिस्ट्री एक्स एक बड़ी अच्छी मूवी है, वो देखिएगा, फिल्में बनती हैं उसके ऊपर, उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है। जो वेस्ट के जो लिबरल हैं उन्होंने क्रिश्चियनों की किस तरह जो उनकी बैड एलिमेंट्स हैं ये अबॉर्शन वगैरह को लेके या जो होमोफोबिया को लेके जो उनकी चीजें, उनको कौन हाईलाइट करता, गोरे करते हैं। उसी तरह जब हम अपने इधर अपने सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो कितने लोग हैं, कितनी फिल्में बॉलीवुड की बन चुकी हैं जो हिंदुइज्म की जो ऐसी बातें हैं जो आजकल के जमाने में सूट नहीं करती, उसका मजाक उड़ाया जाता, कोई नहीं ये कहता जो ट्रेडिशनल हिंदू हैं। और वो छोड़िए, हिंदुइज्म की जो अच्छी बातें हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, हिंदुइज्म की जो अच्छी बातें हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। हमारे देश में, हमारी हिंदू मेजोरिटी देश में, हमारा बॉलीवुड हमें बताता है कि जो तुम ये अच्छा काम कर रहे हो ये भी बुरा है, या अच्छी चीज है वो भी बुरी है। चलिए मान लिया कि खामी है कहीं, उसको उजागर करिए, दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं यार, हम भी उसके पक्ष में रहते हैं। लेकिन हमें पूरी तरह से खराब करार दिए जाने के पीछे भी गैंग पूरा लगा हुआ है, ये तो है ही खराब पूरे के पूरे भाई, इकोसिस्टम टूलकिट गैंग। लेकिन लाई इतनी आसान नहीं है टूलकिट गैंग वालों, आखिरी दम तक लड़ाई रहेगी, सनातन था सनातन है सनातन ही रहेगा। कितना भी आप डेंगू मलेरिया और ये वो करके आप इसको, नेताओं में भी है ना, आपने देखा कैसे कैसे बयान है, डेंगू है मलेरिया है, इनका समूल नाश कर दो मिटा दो, समझ रहे हो आप, लेकिन उसके बाद भी हम टिके हुए हैं और टिके रहेंगे। को वो बातें बुरी लगती हैं उसी तरह जिस तरह एक ट्रेडिशनल मुसलमान को ये बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं। अब ये गार्डियन का आर्टिकल है, 23% ब्रिटिश मुसलमान ब्रिटेन में शरीयत चाहते हैं, 23%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, माइनॉरिटी है लेकिन एक साइजेबल माइनॉरिटी है 23%। अब इन लोगों के ऊपर बात ना की जाए तो क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलेगी, ये क्या बात हुई? अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग एक तो एक्स मुस्लिम भी हो रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान लिबरल मुसलमान भी हो रहे हैं, वो ये कि भाई हम ठीक है, लेकिन एक ये भी एलिमेंट है कि वो अपने शील्ड्स जो है अपनी
दीवारें जो है और ऊपर कर लेता है, कहते नहीं नहीं हम पे हमला हो रहा है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि उसके ऊपर बात ना की जाए। 47% ब्रिटिश मुसलमान ये समझते हैं कि अगर कोई गे है तो वो बच्चों का टीचर नहीं हो सकता, एज कंपेयर टू 14% ऑफ जनरल ब्रिटिश पॉपुलेशन। यानी उनकी होमोफोबिया उनके गोरों के अंदर भी है, लेकिन 14% कंपेयर्ड विद 47%। इससे क्या पता चलता है कि एक कम्युनिटी में होमोफोबिया ज्यादा है जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज के खिलाफ है। इसके ऊपर हम क्यों ना बात करें, और LGBTQ लोगों उनको ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी वेस्ट के जो LGBTQ वो चुप करके बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, नहीं नहीं मुसलमान जो है ना वो बेचारा डर जाएगा। इसको कहते हैं बिगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशन, कि गोरा अपने मुआशरे की या गोरा अपनी तनकीद जो है सारी दुनिया से बर्दाश्त कर लेता। लिबरल्स जो है इंडिया के लिबरल्स, वो इंडिया की जो ट्रेडिशनल कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जिससे वो एग्री नहीं करते उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर लेते हैं तो वो चलेगा, लेकिन ना मुसलमान को नहीं कुछ कहना। ओ हो, चाहे उनका नंबर 47% क्यों ना हो, चाहे उनका नंबर 23% क्यों ना हो। अब इसी सर्वे के अंदर 39% ब्रिटिश मुसलमान, 40% तकरीबन 39% वो कहते हैं कि बीवी को हमेशा अपने खावंद के मातहत होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम बात ना करें कि जी ओ जी मुसलमान का दिल दुख जाएगा, ओ हो जी स्टेरियोटाइप बढ़ जाएगा। ये जो रेडिकल मुसलमान है ना, इनकी जो सबसे बड़ी गेम जो थी, उनकी सबसे बड़ी गेम इन्होंने इस्लामोफोबिया का जो टर्म इन्होंने फैलाया, उसका मकसद ये था कि अपने ऊपर किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म ना होने दिया जाए। तो अब ये जो फिल्म का जो ट्रेलर मैंने देखा उसके अंदर वो एक कौन सा मौलवी था, मेरा ख्याल बाद में पकड़ा गया, वो इंडियन मौलवी था, दायूस वाली वीडियो वाला, वो लिटरली यही बात कर रहा कि औरत चाहे ऊंट के ऊपर क्यों ना बैठी हो, अगर उसका खावंद उससे सेक्स मांगे तो उसको फौरन ऊंट से उतर के देना चाहिए, ऊंट से और चूल्हे से, दो हदीसें हैं। तो वही उन्होंने कोट की है उसके अंदर, उस मूवी के अंदर। या कोई अपने मनगढ़ंत कहानी हो तो बताओ क्यों, और ये कोई अल्ट्रुइस्टिक पोजीशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन है कि बाकी दुनिया के लोग तो बड़े सिविलाइज्ड हैं, वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुसलमान थोड़ा बेचारा भी यू नो बैकवर्ड है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेचारा बर्दाश्त, क्या उसका दिमाग आता है क्या है, क्या हम लोग मुसलमानों में से नहीं निकले, क्या लिबरल मुसलमान बहुत सारे दुनिया में नहीं है, हैं? और वो क्यों होते हैं लिबरल, वो क्यों होते हैं अपनी सोच को इवॉल्व करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस तरह की तनकीद को देखते हैं। जब कोई तनकीद नहीं होगी उनके ऊपर, और तनकीद से मुराद ये नहीं कोई एकेडमिक पेपर लिख दिया, तनकीद से मुराद खिल्ली उड़ाई जाए, जैसी रिकी जर्वेज खिल्ली उड़ाता है, उनकी सारों की खिल्लियां उड़ाता, रिकी जर्वेज से पहले जॉर्ज कार्लिन मर गया, वो कितनी खिल्ली उड़ाता था क्रिश्चियनिटी की, जो बैकवर्ड सोच के क्रिश्चियंस थे, कुछ भी नहीं, ओ वो सिविलाइज लोग हैं, मुसलमान सिविलाइज नहीं है, ओहो भाई उसके बारे में आप कोई नहीं बात कर सकते। तो उसका भी नतीजा क्या निकला, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई से दिस, कि आई थिंक दिस इज अ बैड डिसीजन। उन्होंने इस मूवी हमारे बारा को बैन कर दिया, क्यों भाई, PK चल जाएगी, ओ माई गॉड 2 चल जाएगी, ठीक है लोग अपना क्रिटिक करेंगे उन वीडियो मूवीज को, डिसएग्री करेंगे, कहेंगे हमारी नहीं ये ऐसे नहीं है वो नहीं, तो ये जो मौलवी जो इस तरह की बातें करते हैं, खुल के कहते हैं, उस वक्त आपकी घुगी बन जाती है, उस वक्त आपको कुछ ही याद नहीं आ रहा होता कि हाँ भाई ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तब नहीं, तब आप चुपके दुबक के बैठ जाते हैं। और जो दुबक के नहीं बैठते, जो एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, भाड़ में गए, हमारे बारा ने जिसने बनाया उसने, वो उसका कोई हिंदू नेशनलिज्म का मकसद है या कोई किसी और का कोई मकसद है, भाड़ में गई वो बातें, बात ये है क्या वो सच है या वो झूठ है, झूठ है पता चल जाएगा, लेकिन हमें पता है झूठ नहीं है, उसके अंदर जो ट्रेलर में दिखाया गया सब सच है, बिल्कुल वो चीजें सच है। मिजाजी खुदा के ऊपर बात कीजिए, मिजाजी खुदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं, वो हिंदुओं से, और जिधर से भी आए एलिमेंट एग्जिस्ट तो करता है ना। तो ये इस तरह की बातें, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट अगेन आई एम सेइंग दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो डिसीजन होता है उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ बैड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसको बैन कर दिया। और एक जो इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एक कोशिश होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कम्युनिटी के अंदर, वो तभी होती है जब कोई बाहर से आपके ऊपर उंगली उठाता है, बाहर से आपको कोई कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। जर्मनी में हिटलर आया, उसने जो दुनिया के जालिम तरीन उसने जो काम किए, पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, और आज उसका नतीजा ये निकला, जर्मनी ने ये नहीं बाद में कहा जंग हारने के बाद, कहीं हम सच थे, हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, उन्होंने माना, वो इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने क्या काम किया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरी तरह की है, लेकिन पॉइंट ये है कि कम्युनिटीज के ऊपर बाहर से भी क्रिटिसिज्म आता है और अंदर से भी आता है। अभी मरीन लपेन ने जो यूरोपियन इलेक्शंस के बाद जो स्पीच दी है, बड़ी खतरनाक किस्म की, जिसे बड़े लोगों को डर लगा हुआ, इंग्लिश चैनल पे मैंने वीडियो डाली, उसको जरूर देखिएगा, उसमें आप देखें कितना शिफ्ट आया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश था वो पहला बंदा, जब उसने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना था ना, उसने कहा था इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, ठंडा करने के लिए, ये रिलीजन ऑफ पीस के टर्म वहां से निकले। कभी मुसलमान ने भी नहीं कहा इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, कभी भी नहीं कहा, जिससे कुरान पढ़ा है उसे पता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है। तो उसके बाद इवन के जो उनके
कंजर्वेटिव लोग भी थे ना, वो भी ये कहते थे नहीं इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, ये कुछ बैड एग्स हैं, 47%, 23%, 39%, ये कैसे थोड़ा सा नंबर है। एक बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं इस तरह के इस कम्युनिटी में जो बड़े इनकम्पैटिबल व्यूज रखते हैं, जिनके ऊपर सख्त तनकीद करनी चाहिए, जिनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए, और जो अच्छे मुसलमान है, जो मॉडरेट मुसलमान है, जो अपनी जिंदगी से मतलब रखते हैं, हमें उनको एहसास दिलाना, ये जो जहादिया जूदिया इन्होंने तो नहीं बाज आना, लेकिन जो अच्छे मुसलमान है उनको इस चीज का एहसास दिलाना जरूरी है कि ये देखें भाई आपके आपके मजहब के नाम पे क्या काम हो रहा है, ये हो रहा है आपके नाम पे काम। लेकिन नहीं, अब कौन रोक रहा है हमें? सुप्रीम कोर्ट रोकेगी जी। कौन है जी आपको ये डू-गूडर्स रोकेंगे? ये वो लोग हैं जो अपनी सोसाइटी में खूब धजियां उड़ाते हैं, अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उड़ाएं, ठीक है, आई डोंट केयर, चाहे वो गोरे हो या लिबरल इंडियंस हो, लेकिन जी मुसलमान नहीं इस तरह के काम कर सकते, क्या तकलीफ है आपको? सबसे बड़ा इसका विक्टिम कौन है? इस्लाम की जो पेट्रियार्की है उसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? औरत, मुसलमान औरत। ये गोरे और ये इंडियंस वगैरह जो लिबरल इंडियंस है, ये हिजाब पहन के जरा वो तो दिखा देते 5 मिनट की फोटो आप तो कर लेते हैं, मजे तो ले लेते हैं अपने, फंसता है वो कौन फंसा हुआ बीच है? किन औरतों की बेचारियों की दुर्गत बनती है? क्यों ट्रिपल तलाक के ऊपर औरतों ने सपोर्ट किया मोदी जी को, मुसलमान औरतों ने? ठीक है, टिका के प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ये जो रवैया है ये बड़ा खतरनाक है। नॉट ओनली ये एक इमोरल है, ये बिगेट्री ऑफ लो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये खतरनाक है। खतरनाक उन औरतों के लिए जो माइनॉरिटी है, विद इन द माइनॉरिटी, डिसिडेंट्स, अपोस्टेट्स, औरतें, LGBTQ, ये लोग इसके सबसे बड़े विक्टिम्स हैं। तो एनीवे, ये मैंने 2-3 दिन पहले ये खबर देखी थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने ट्वीट भी की थी। आई होप के ये बैन, खैर अब ये मेरा नहीं ख्याल ये बैन उठ सकता है, आई होप ये कहीं और रिलीज हो जाए, सिनेमा में रिलीज ना हो, दे हैव टू पुट इट अप ऑन यूट्यूब और समथिंग। ठीक है, वो बेचारे इतना पैसा नहीं कमा सकेंगे जितना उनका पैसा लगा होगा, लेकिन जो ये जो मूवी जो उन्होंने बनाई, ये आम लोगों तक जानी जरूर चाहिए, ताकि हम फिर उसके ऊपर हम उसको क्रिटिकली भी डायसेक्ट करें और बताएं कि कौन सी चीजें हाइपरबली हैं, कौन सी चीजें एग्जेजरेटेड हैं और कौन सी चीजें सही हैं। आई एम 100% सर्टन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फिक्टिशियस कैरेक्टर होंगे, लूसली बेस्ड ऑन सर्टन पीपल। जैसे वो मौलवी जो है उसकी किसी ने वो साइड बाय साइड उन्होंने लगाई थी वो ट्रेलर के, वो जो एक फिल्म के अंदर जो मौलवी बड़ा खतरनाक और वो दूसरा दायूस वाला मौलवी, उन दोनों की स्पीच बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है कि डायरेक्टर ने उससे इंस्पायर होकर वो कैरेक्टर लिखा होगा, लेकिन वो कैरेक्टर का नाम उन्होंने नहीं दिया होगा फॉर व्हाटएवर लीगल रीजन या जो भी है, उन्होंने उसको कहा होगा कि ये फिक्टिशियस है, लेकिन वो बातें फिक्टिशियस नहीं है, वो बातें बिल्कुल ठीक है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल के इजहार जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई, वैलिड पॉइंट है। अगर कोई चीज हो रही है समाज में, वो दिख रही है, तो उस पर बात की जाएगी, बिल्कुल बात की जानी चाहिए, विरोध अपनी जगह है, बात की जानी चाहिए, और कोई गलत हो तो साबित करो ना। अगर आपके मौलवी के द्वारा लाइन बाई लाइन वही चीज बोली जा रही है तो गलत कहां है? तो फिर मौलवी को पकड़ो कि तूने ये बात क्यों बोली। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और छोड़िए, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, मैं कहता हूं हिंदुओं के भी अगर 12 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, उनके लिए भी तो सेम कानून आएगा ना, उनके लिए भी तो सेम कानून होगा। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों के लिए अलग से कानून होगा और हिंदुओं के लिए अलग से कानून होगा, नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा बहुत जल्द। अगर चीन जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आया होता तो आज उसकी बैंड बज गई होती, लेकिन आज वो दुनिया की एक सबसे बड़ी मजबूत इकॉनमी है ना, डेवलप कंट्री है ना, क्यों है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आया। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के भी अपने नुकसान हैं, अपने फायदे हैं, लेकिन अभी उस बड़े फायदे को देखना चाहिए जो इससे होगा। बेरोजगारी, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे बड़े जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बेरोजगारी इससे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है। जो भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है वो जिम्मेदार है, वो चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई, जो भी ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है वो जिम्मेदार है बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, संसाधनों पर ज्यादा खर्च करने के लिए, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, रोड, सड़क, घर, बिजली, बत्ती, डिमांड तो सबकी बढ़ जाएगी ना जब आबादी बढ़ रही है। तो अब मौका आ गया है कि जल्दी से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, और अगर आपको मिर्ची लगती है तो आप ऐसा काम करना बंद कर दो। जाहिर है कहीं पे ऐसा काम हो रहा है तो ये सवाल उठ रहे हैं, पिक्चर बन रही है। केरला स्टोरी फ्रॉड थी, प्रोपेगेंडा मूवी थी, हजारों की तादाद में काम हो रहा है वैसे, और एग्जाम्पल हैं, सबूत हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग, पिंक प्रोपेगेंडा। कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी थी, मतलब उसको झुठला दिया जाए, जो वो हुआ था 90s में, झुठला दिया जाए उसको। अब जमाना बदल गया है,
अब आपके छुपाने से चीज नहीं छुपेगी, वो बाहर आएगी, चाहे आप किसी से भी ताल्लुक रखते हो, और वो बाहर आएगी और आनी चाहिए। मैं किसी एक रिलीजन, किसी एक कास्ट, किसी एक क्रीड की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां प्रॉब्लम है वो सामने आए, और बिल्कुल आनी चाहिए, वरना आप अपने समाज को सुधार नहीं सकते, अपनी सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकते। कमियां हर सोसाइटी में है, डिपेंड करता है कि आपके यहां 99% कमियां हैं कि आपके यहां 10% कमियां हैं। तो जहां पर 10% कमियां होंगी वो सोसाइटी डेवलप होगी, जहां पर 99% कमियां होंगी वो सोसाइटी नीचे चली जाती जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात? बाकी कमेंट करके आप बताएं भाई हमारे बारा क्या। जल्द मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, नमस्कार जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था हारिस सुल्तान और डीडी रिएक्ट, उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल जी, ये सारी चीजें हैं कि मूवी का ट्रेलर आया है हमारे बारा, तो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी, ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया आगे बढ़ रही है और हम आज भी जो है ना वो बच्चे ज्यादा पैदा करने में लगे हुए हैं, तो इन चीजों से हमें निकलना चाहिए कि भाई अगर हम उनकी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते तो फिर आपके दो बच्चे भी ज्यादा हैं। अगर आप उनकी परवरिश कर सकते हो तो फिर आप कह सकते हो ऐसा है। तो आपको पूरे इस्लाम की जो चीजें हैं ना उनको देखना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो लेकिन ये चीजें हैं कि आप जो है ना वो बच्चे पैदा कर करके मुआशरे के ऊपर जो है ना बोझ बढ़ाते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी जो है ना ठीक नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे खामियां हैं उनको उनको उजागर करना चाहिए। और अगर हम देखेंगे, यही तो हमारा मसला है खास करके मुसलमानों का, कि जो भी हमारी खामियों के ऊपर बात करता है तो हम कहते हैं इसको बिल्कुल भी बात करने की, हम एग्री हो जाते हैं और हम जो है ना चढ़ दौड़ते हैं, भड़क जाते हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि वो बात कर रहे थे ओ माय गॉड टू पीके, ऐसी वीडियोस जो है ना आप देखो, उसमें सब रिलीजन के ऊपर बात आई है, लेकिन उसके ऊपर भी सारी चीजें हुई, उनको जो है ना वो चलाई गई, वो दुनिया में आई, वो इसलिए थी कि ये खामियां हैं इन इन मजाहिब में, तो इनको दूर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है ना ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बुराई है मुस्लिम समाज में, कि भाई अब देखिये ये जो मौलाना है इनके दो दो तीन तीन शादियां की हुई हैं और इनके वाकई 12-12 बच्चे और 14-14 बच्चे होते हैं, तो क्या वजह है कि ये इतनी ज्यादा जो है ना बच्चे पैदा करने के पीछे। अब औरत भी तो औरत ही है, वो कोई मशीनरी तो है नहीं है कि भाई उसने बस बच्चे ही पैदा करने हैं, तो बिल्कुल जी उसको पूरा हक मिलना चाहिए। और चीजें यही है कि इन चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगाया है, ये किस वजह से लगाया है, अब उसमें कौन सी जो उनको बुराई नजर आ गई है, तो भाई देखिए कि यही चीजें हैं, इन एलिमेंट्स को उजागर करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि हमने इन चीजों से बचना है। ठीक है, अब देखिए कि ये जरूरी तो नहीं है आप दो बच्चे ना करें, चार कर लें, पांच कर लें, वो भी बहुत ज्यादा है आज के मुआशरे में। आप जो हालात चल रहे हैं, आप जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हम अच्छी खासी सैलरी जो है ना वो कमा रहे हैं और तीन बच्चों का साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिजली और गैस के बिल देने मुश्किल हो रहे हैं, तो बच्चों की जो फीसें हैं वो कैसे अफोर्ड करनी है, वो तो अलग से मामला होता है। तो जब ऐसी चीजों में आप आ रहे हैं और फिर भी आप कहेंगे नहीं हमने 12 बच्चे ही पैदा करने हैं, तो फिर इसका इलाज जो है ना वो अब क्या किया जा सकता है, इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। आप देखिए जो वाकई में जो गोरे हैं वो अपने लोगों के ऊपर जहां पे खामियां हैं उन्होंने खुद अपने खामियों के ऊपर बात की है, क्यों की है कि हम इन खामियों को दूर करके हम अपने मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा जो है ना वो तश्कील दे सके, लेकिन हम अपनी बुराइयों को सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं बिल्कुल जी हमारे यहाँ तो कोई बुराई है ही नहीं, तो भाई कौन सा इंसान है जिससे खता नहीं होती, जिसमें बुराई नहीं होती, लेकिन जो इंसान अपनी बुराइयों को उजागर करने पे वो देखे कि भाई ये बुराई है मुझ में, उसको एक्सेप्ट करे, तो फिर ही वो उस बुराई को दूर कर सकता है। लेकिन आज का मुसलमान समाज जो है वो अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, हालांकि दुनिया की हर बुराई मुसलमानों में पाई जाती है और उसके ऊपर अगर कोई बात करे तो हम कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा। तो यही तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारी बुराइयों को, जो हमारी जाती बुराइयां हैं, हमने उनको भी इस्लाम की बुराइयों में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम उसको भी इस्लाम के ऊपर खतरे के तरफ लेकर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जो कि मुसलमानों को और खास करके इस्लाम को जो है बदनाम कर रही है। तो इन चीजों को हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर ही हम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, देखें कि यही चीजें हैं कि हमें जो है अपने दीन के मुतालिक जो है, जो भी हमारा मजहब है, जिस किसका भी जो भी मजहब है, उसको उसके मुताबिक जो है पूरा नॉलेज नहीं है। देखें ये चीज है कि हमें नॉलेज हो तो हमें पता हो कि भाई हम जो है अगर एक बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं तो हमें एक बच्चा ही बनाना चाहिए।
अगर हम दो बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, उनकी तरबियत अच्छी कर सकते हैं, तो हमें दो बच्चे करने चाहिए। अगर हमारे पास कैपेसिटी हो, हमारा रोजगार ऐसा हो कि हम जो है एक बच्चे की कफालत अच्छे से कर सकते हैं, तो हमने पैदा किए हुए 8 बच्चे, तो फिर देखेंगे वो 8 बच्चे जो हैं, जो 7 बच्चे ऊपर हैं, वो 7 बच्चों की कफालत आप कैसे करेंगे? वो सभी बच्चों का के हकूक जो है वो आप सलब करोगे। जो वालदैन के ऊपर फर्ज है बच्चों के हकूक, वो आप उनके सलब करोगे, तो फिर जाके वो पैदा हुए उन्होंने बड़े तो हो ही जाना है। वो हकीकत यही है कि जिनके पास सरमाया है, जिनके पास वो काम बच्चे, उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, वो कारोबार में बिजी होते जो, हैं, उस तरह तवज्जो नहीं देते हैं। जो वेले फारग निकम्मे हैं, उनको इसके अलावा काम ही कोई नहीं है। एक ही मिशन है बस, बच्चे हर साल एक बच्चा आ जाना चाहिए। हाँ, बस भाई बच्चे होंगे तो यही, जो बच्चा आएगा वो अपने मुकद्दर ले। तो जितनी तवज्जो बच्चों पैदा करने पे लगा रहे, इतनी रोजगार के ऊपर लगाए, ताकि आपकी तवज्जो उधर जाए ही नहीं, और आप जो है अच्छे शहरी बन सके, और अपने मुल्क के लिए, अपने खित्ते के लिए एक अच्छा काम कर सके। अपना किरदार अदा करें। हम जो है अपने आप को काबिल बनाने की बजाय हम सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना अपनी बीवियों पर ही निकालते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको एक अच्छा रोजगार पहले कमाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बच्चे पैदा करने की तरफ सोचनी चाहिए। अगर आप बच्चे पैदा करते हैं और उनको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाते, उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर पाते, फिर ये आपका कसूर है। और आपकी इस गलती के ऊपर अगर कोई आपकी गलती को उजागर करता है, तो आप उसको इस्लाम के ऊपर खतरा जानते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। आई होप सो, तो बहुत जबरदस्त वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।